जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 दिनों से ज्यादा और 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज्यादा और 15 दिन का, 15 दिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन 1 हफ्ता से 15 दिन के बीच का लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है। अब बिहार सरकार को तय करना है कि 7 दिनों का लॉकडाउन लगाना है या फिर 15 दिनों का लॉकडाउन लगाना है, क्योंकि कम समय में जो लॉकडाउन लगाया जाता है कम समय के लिए तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदलती, और खासकर तब जब बिहार में स्थितियां बहुत खराब हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे सूत्र है और ये भी बता रहे हैं कि 15 दिनों का लॉकडाउन बिहार में लगाया जा सकता है या फिर आज देर रात से 15 तारीख तक, यानी कि 10 या 15, ये 2 तारीख की बात चल रही है कि 10 या 15 दिन का लॉकडाउन बिहार में लगाया जाए या क्या किया जाए। तो 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक होगी, और बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि परिस्थितियां और न खराब हो इसको देखते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, विभाग की कल देर शाम जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी उच्च स्तरीय बैठक, उसमें उन्होंने सख्त राय दिया था और जो निर्देश दिया था कि लोगों को घर से कम निकलने दिया जाए, जब तक जरूरत न हो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाए। कल देर शाम जब मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर पटना शहर का जायजा लिया था, उन्होंने जो स्थिति देखी थी उसके बाद वो ही फैसला कर लिया था कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि परिस्थितियां जो बदली है, खासकर जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं वो फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई है। तमाम राजनीतिक दल, अधिकांश राजनीतिक दलों की मांग है कि बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तलखी दिखाई है बिहार सरकार के प्रति और बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। और आज बिल्कुल आनंद, तो क्या हम इसे ऐसे समझें या इसे ऐसे देखें कि जब हाईकोर्ट की नाराजगी सामने नजर आती है, IMA अपनी तरफ से असमर्थता जाहिर करता है, डॉक्टर्स के पैनल ये कहते हैं कि अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है इस संक्रमित संख्या को रोकने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए, तब जाकर सरकार अब बाध्य हुई इस बात पर विचार करने के लिए कि सचमुच क्या लॉकडाउन लगाया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब बिहार में लॉकडाउन लगा था उस वक्त एक दिन में जैसे ही केसेस 5,000 क्रॉस करता है बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। इस बार 16,000-17,000 तक एक दिन में क्रॉस हो रहा है, और पिछले अगर 1 हफ्ते का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो अमूमन हर दिन 10,000 से ज्यादा मामले आते हैं। तो जाहिर सी बात है परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली, और इस बार कई सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, कई तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जो कोरोना पीड़ित है वो तो जूझ ही रहे, उनके परिवार वाले लोग भी बेहद परेशान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रामीण इलाकों में लगातार परिस्थितियां जिस तेजी से खराब होती जा रही है, जो जिस तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो भी चिंता की बात है।